यहाँ पे मैं एक गांव में आई हूँ, यहाँ पर ना बैल फोड़ा बनाते हैं, यानी बैल की पूजा करते हैं किसान लोग और उन्हें मंदिर लेकर जाते हैं। यहाँ पे रेस लगती है, यहाँ बहुत सारी बैल है। मम्मी तो नहीं है साथ में लेकिन मैं हूँ, तो अभी आप ये वीडियो पूरा देखना और अच्छे से दर्शन करना। यहाँ पे ना ऐसे सारे बैल की पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं और उनकी फिर रेस करते हैं, उनको मंदिर लेके जाते हैं, वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो इसको ये मेनली महाराष्ट्र में बनाते हैं, पर वैसे सभी किसान लोग ऐसी पूजा करते हैं आज के दिन में। अभी सब बैल लोग लाइन से खड़े हो रहे हैं एक एक करके। सामने नदी भी है, यहाँ सब लाइन से बैल खड़ी हो गई हैं और भी अभी आ ही रही है एक 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 करके। तो बहुत दिनों बाद गांव में आके ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक तो बैल देखने को भी मिल गए और गांव वाली फीलिंग भी अच्छी सी आ गई। तो यहाँ पे बैल को सीढ़ी उतरते मैंने वैसे ज़िंदगी में पहली बार देखा था, ये सच है। यहाँ कैमरा ऑन करने के बाद में एक गैया मैया ने हमको पोज भी दिया, वो जो सामने गैया मैया है उन्होंने। तो अब हम शाम में जाएंगे सिटी का पोला देखने। तो ये रात हो गई क्योंकि ये सेकंड डे है, सेकंड डे सिटी में पोला होता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तैयार होके आते हैं अपने अपने बैलों को, जो कि लकड़ी के होते हैं उनको भी तैयार करके लाते हैं और घुमाते हैं। सिटी में ये मेनली बच्चों का फेस्टिवल होता है कि वो पूरा शहर जो है शाम को बंद हो जाता है 7-8 बजे से, और फिर ऐसे मेला जैसे लग जाता है। यहाँ बच्चे लोग कोई शिवजी बना है, कोई कुछ बना है, तैयार होके आ रहे हैं। और यहाँ किसी ने चंद्रयान के लुक में भी बैल को सजाया था, ये बहुत प्यारा था। शायद इसे सेकंड या थर्ड प्राइज कुछ तो भी मिला था। यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और कितने सुंदर सुंदर बैल है। इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक तरह की झांकी होती है जो कि निकाली जाती है और ये भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कुछ 8,000-7,000 ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज थे। अच्छा तो बहुत लग रहा था लेकिन भीड़ बहुत थी, तो मैं थोड़ा सा घूम भी गई थी। मुझे ये वाले बैल लगे थे, वैसे इनकी लाइट टिमटिमा रही थी लेकिन ये पता नहीं, ये झांकी भी बहुत क्यूट थी और ये बैल भी बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही आए थे। और यहाँ पर राम मंदिर की झांकी भी लगी थी, सामने बैल राम मंदिर को खींच रहे थे, ऐसा उन्होंने डेकोर किया था। बहुत अच्छे से नहीं आया पर जैसे भी ले पाई मैं ले ली भीड़ में। और ये वाली जो झांकी थी ना, इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वैसे तो ये रथ में बैल को रखा गया था फिर उनकी झांकी निकाली, लेकिन मुझे ये फर्स्ट प्राइज़ ऐसा लगा नहीं कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, मतलब क्रिएटिव नहीं थे। रथ ले आए और उन्होंने बैठा दिया बस, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो उनको मिल गया फर्स्ट प्राइज़। पर बैल बहुत सुंदर सुंदर भी आए थे जिन्हें फर्स्ट मिल सकता था। तो मम्मी के बिना ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो गया क्योंकि यहाँ मम्मी भी नहीं थी, लेकिन ठीक है, अभी मैं बाहर गई थी तो मैंने सोचा ये फेस्टिवल दिखा दूँ उन लोगों को जिनको इस फेस्टिवल के बारे में नहीं पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगी मम्मी के साथ। बाय बाय।